कि आई वॉन्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मुझे इसी दुनिया के अंदर सब कुछ चाहिए। और सब कुछ का मतलब सब कुछ, ये एक एटीट्यूड है। ये कायनात के अंदर आखिरी इंसान भी अगर रह जाएगा ना, कि वो झुकेगा नहीं, ये तब भी मुझे ड्राइव देगा, बोलूंगा इसको तो झुका के रहो। आपको एक कमरे के अंदर 99 लोग मान जाए, सजदा दे दें, बोले यार आप बहुत बड़े आदमी, और एक बंदा बोले झुकता रहूं लेकिन मानता नहीं, आप बोलेंगे नहीं बर्दाश्त नहीं हो सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, ये हो नहीं सकता। और ये साइकोलॉजी बहुत से लोगों की पाई गई है, और ये फिरौन की भी थी, कि जब उसको सब कुछ दे दिया गया और सेल्फ एस्टीम कितनी थी कि अना रब्बुकुम अलाला, कि भाई मैं तो सबसे बड़ा रब हूं, लेकिन क्या हुआ, इतनी हाइनेस के ऊपर खबर ये आई कि एक बच्चा आएगा और तुम्हारी सल्तनत तबाह कर देगा। एक बच्चा, एक बच्चा, उस एक बच्चे के लिए उसने कितने बच्चों को मारा। सब कुछ तो है, बनी इसराइल पूरी गुलाम है, मिसर पूरा तुम्हारे पास है, इतना कुछ तो था तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ा। लेकिन आप आइडियोलॉजी समझे, ड्राइव समझे, दिल समझे, वो दिल ये है कि भाई 1% भी रह नहीं सकता। ये फिलॉसफी जिंदगी के अंदर लोग बहुत सारे जीते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, ये थक नहीं सकता इंसान। और जहां जहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं क्या हो जाऊंगा, उदास, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डिप्रेशन, मायूसी, कुछ छिन ना जाए खौफ। अरे समझ, कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, दुनिया दुनिया दुनिया, किस लिए, टू सैटिस्फाई माई सेल्फ, टू एंडोर्स माई सेल्फ कि मैं ही हूं इस कायनात के अंदर और ये सब मेरा ही है और मैं इसके लिए। ये आप इसमें बोले ये काफिर भी आ सकता है, मुसलमान भी कहीं ना कहीं आ सकता है, कि बोले मुझे 100% चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता।